तो यार आ चुका है अपना पार्सल, काफ़ी मोटा सा कॉमिक्स अड्डा की तरफ से। तो चलो इसका अनबॉक्स करते हैं। सो फाइनली मैं थोड़ा सा देरी कर दिया इसको मंगाने में, लेकिन चलो आ तो गई और आर्टवर्क हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। तो ये लोग स्टैंड भी दिए हैं, चलो ठीक है। यार इस पैकेट में कॉमिक्स है जिसको लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी मची हुई है यार, क्योंकि उसको शायद 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब पहली से नाम बार अनाउंस की थी, और इतने सालों के बाद जब ये आई थी उससे कुछ पेजेस आखिरी इशू के कुछ नहीं आखिरी इशू सारे पेजेस में बस पेंसिलिंग दिखाई गई है। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बुकमार्क भी मिला है बुकस, तो अलग से रखते हैं, देखते हैं कि क्या है। गोभी भाई बिल्कुल पुराने वाले तरह, बस यहाँ रेट नहीं लिखा है। और सर भाई संजय गुप्ता, गैंग वॉर, उसको भी मैंने मिस किया। दरअसल इसकी पहली इशू मैंने पढ़ी थी जब कोई भी चला जाता है शहर में और उसकी डोगा से लड़ाई हो जाती है, तो मुझे देखना था उस। खैर उस टाइम मिला नहीं मुझे अंकल जी की दुकान पे, लेकिन आज मैंने देखा तो मैं कहा मंगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जाननी कि उससे आगे क्या हुआ था। और ये भी इसी सीरीज़ का ही, इससे काफ़ी लंबी कॉमिक्स है, ये कलेक्टर एडिशन मैंने मंगाई थी, मुझे 350 के आसपास पड़ा है। और ये तो उन्होंने नॉवेल्टीज दी हैं मनोज गुप्ता। और मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ यार, आपको याद होगा कि बेदी जी जब आर्टवर्क बनाते थे बाकीलाल का, और उसके अलावा कभी कभी हमें गमराज का जो आर्टवर्क था प्रेम जी का, तो वो भी हमें बाकीलाल में ही देखने को मिलता था कभी कभी। और उसके बाद बेदी जी के जब टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद ये लोग बसंत पांडा को दे दिए बाकीलाल को बनाने को, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो वाला बाकीलाल, क्योंकि पता नहीं क्या उल जुलूल भाषा सीख के उल्टे सीधे तरीके से दर्शकों सॉरी रीडर्स को हंसाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ तक इतना गुस्सा लगता था मुझको, मैं सारी भेज देता था पूरा जितनी बसंत पांडा की बनाई कॉमिक्स। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि वापस प्रेम जी को मिल गया बाकीलाल का कमांड, और इसको तो हम लोग बचपन से जानते हैं, तो ये अच्छी बात है। ओ सर पेक का ऐड, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉमिक्स, पर उससे पहले सर पेक क्या देखेंगे। ओके इंकिंग विनोद कुमार, देखो यार मैं भाई को हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं हमेशा विनोद कुमार को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अनुपम जी की पेंसिलिंग और विनोद कुमार की इंकिंग कोई तोड़ नहीं है, सब ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ करते हैं सब लोग। हो गया, ओह काफ़ी मोटी है यार ये, होनी भी चाहिए 300 पेजेस की है जो, अजीब अजीब सा नाम दिया ऐसे ध्रुव की कॉमिक से कभी सुना ही नहीं था नाम, लग रहा था कुछ महाभारत पढ़ रहा है। ये देखिए यार मेरे को समझ में नहीं ऐसी क्या ज़रूरत थी, इसका एक अलग वर्जन निकाल देते ना, वैसे इसको 3 पार्ट में अलग से करना चाहिए था। अजीब से पेंसिल पेंसिलिंग की गई है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर ये इंकिंग रहते पता चल जाता कि कलरिंग से हिसाब से पता चल जाता है कि अगला फ्रेम कौन सा है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम लोग इस तरह कॉमिक्स ये पढ़े नहीं हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही ये 5 या उससे ज़्यादा सालों तक बन रही थी, उन लोग को इंकिंग नहीं मिला टाइम इंकिंग करने का। सो आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं यार, अभी जा रहा हूँ पढ़ने, फिर पढ़ के आपको बताऊँगा कैसा लगा। और हाँ अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं
ब्लंटली ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। जो मुझे जो चीज़ मुझे ख़राब लगी मैं ख़राब बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो अच्छी बोलता हूँ। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें यार मेरे को ना ये चीज़ यार बिल्कुल पसंद नहीं आई, इन लोग को अलग से एक और कॉमिक्स निकालनी चाहिए थी ना, या तो तीनों को पार्ट में कर दें। और इतना अजीब अजीब सा नाम है, मतलब मुझे समझने में टाइम लग गया है भाई कि ध्रुव की कॉमिक्स है ये, इसी मैंने कभी नहीं देखी थी। और फ्रैश कर रही हैं तो थोड़ा सा पुराना वाला फील दे रहा है। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये इसी की थी, ये हो गया। और सर पे गया, इसके पहले दोनों पार्ट मैंने पढ़ी थी, ठीक ही थी, और ये भी ठीक है। बाकेलाल सबसे बढ़िया इसमें बाकेलाल चल रहा है, क्योंकि आर्ट वर्क, मैं ऐसा लड़का हूँ जिस आर्ट वर्क ज़्यादा दिखता है फिर बाद में कहानी। और ये भी मस्त है, दिख रहा है। तो आगे बड़ी अनबॉक्सिंग आने वाली है यार, तो अगर आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये वीडियो प्रॉपर बन नहीं पाया है क्योंकि मेरे पास जो मेरा छोटा सा कैमरा था उसकी बैटरी से मिल नहीं रही है पूरे मार्केट में, नहीं तो मैं उसको बढ़िया से माउंट करके आपको दिखाता, तो इस तरह का हाच पॉच नहीं होता। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।